आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। रामगढ़ में तुमकी प्रण है किया, वो आजादी की पगड़ी दीवानी ने रण चंडी बन कर रण है किया, वो मंडला की महारानी ने। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को सियोनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र युवराज विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ। उनके दो पुत्र हुए, अमन सिंह और शेर सिंह। राजा विक्रमादित्य के खराब स्वास्थ्य के कारण रानी अवंतीबाई ने अपने अवयस्क पुत्र की ओर से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1851 में जब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी की अवमानना करते हुए रामगढ़ का शासन संरक्षण अदालत को सौंप देने का निर्णय किया। रानी ने इसका कड़ा विरोध किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी अवंतीबाई रामगढ़ की सेना की कमान संभाले स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गईं और सुहागपुर में ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। युद्ध में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को हरा दिया। अपनी हार से बौखलाए अंग्रेज प्रतिशोध लेने के लिए वापस आए और रामगढ़ पर हमला कर दिया। अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना को रोकने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। 1 अप्रैल 1858 को देवहरगढ़ की पहाड़ियों में निर्णायक युद्ध में उनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। रानी को पीछे हटते हुए रामगढ़ वापस लौटना पड़ा। यहाँ अंग्रेजों ने उन्हें और उनके समर्थकों की घेराबंदी कर दी। कई विवरणों में दावा किया गया है कि अवंतीबाई ने हार सामने देखकर बंदी बनाए जाने से बचने के लिए स्वयं अपनी जान ले ली, जबकि अन्य विवरणों का दावा है कि बंदी अवस्था में ही अगस्त 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी लोकगीतों और लोक नाटिकाओं में उन्हें याद किया जाता है। उनका साहस और हौसला लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस महान वीरांगना अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद आनंद चरण मलिक को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। कोलकाता के धर्म टोला में रहने वाले आनंद चरण ने अनुचित यातायात नियमों का विरोध किया था। आनंद चरण और उस इलाके के अन्य लोग ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लागू नए व्यापार नियमों से असंतुष्ट थे। उन्होंने इस आधार पर नए नियमों पर आपत्ति की कि इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 1930 को गाड़ीवानों ने साथ मिलकर अपनी बैलगाड़ियां सड़कों पर छोड़ दी और पशुओं को हटा लिया। मुख्य सड़कों को बलपूर्वक खाली कराने के लिए आई पुलिस से संघर्ष छिड़ गया और जल्दी ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी गाड़ी वालों के साथ आ गए। पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें आनंद चरण मलिक और 6 अन्य लोग मारे गए। देश की माटी के इन महान सपूतों को हमारा सादर नमन। आज हम शहीद वरियाम सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर पाबंदी के अंग्रेज सरकार के आदेश के विरोध में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक 11वें अहिंसक शहीदी जहां में भाग लिया था। जहां
जब मोर्चा जैतो पहुंचा, ब्रिटिश सेना ने इसे रोक दिया और बड़ी संख्या में इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वरयाम सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं और नाभाबीर जेल में 1 अप्रैल 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत के इस महान सपूत वरयाम सिंह को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी रहीम अली खान की भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। कई स्थानों पर उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से मोर्चा लिया और अपने पड़ोसियों की आर्थिक मदद भी की। एक मुकाबले के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 7 मार्च 1859 को उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 1 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत रहीम अली खान को हमारा शत शत नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। Thank you.